इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव की उन महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने कठिन मेहनत और परिश्रम से गांव में पानी लाने के लिए एक पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया। जी हाँ, आखिर क्या इस खबर में जानेंगे हम अपने इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए जानते हैं इन बहादुर महिलाओं ने कैसे और क्या किया। जल निकायों के पुनः द्वार पर खर्च किए गए सरकारी प्रयासों और करोड़ों रुपए के बावजूद मध्य प्रदेश एक गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। राज्य के अंगरोथा गांव में निवासी लंबे समय से पानी की कमी से जूझ रहे थे, इसलिए चीजों को अपने हाथों में लेते हुए गांव की लगभग 250 महिलाएं गांव के एक तालाब से जाने वाले पानी के रास्ते को बनाने के लिए 18 महीने से एक पहाड़ी की खुदाई कर रही हैं। ANI से बात करते हुए पहल में शामिल महिलाओं में से एक बबीता राजपूत ने कहा, हम गांव में पानी को लाने के लिए 18 महीने से अधिक समय से काम कर रहे हैं। पानी जंगल में स्वतंत्र रूप से बह रहा है और इसके लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गांव की महिलाओं ने एक समूह बनाया और पहाड़ी को लगभग 0.5 किलोमीटर की लंबाई में काटने का फैसला किया और पानी को तालाब में गिराने के लिए रास्ता बनाया। इस प्रक्रिया में शामिल रही विविताबाई आदिवासी ने कहा, हमारे गांव में लगभग 250 महिलाओं ने तालाब में पानी बहने का रास्ता खोदा। इस काम को पूरा करने में हमें लगभग 18 महीने का समय लगा। गतिविधि का प्राथमिक उद्देश्य खेती की गतिविधियों की सहायता करना और गांव में पानी के संकट को दूर करने के अलावा पशुधन की सहायता करना था। एक अन्य ग्रामीण राम रतन सिंह राजपूत ने कहा, पिछले 18 महीनों से गांव की महिलाओं ने अंगरोथा को पानी मुहैया कराने का फैसला किया है। उन्होंने एक पहाड़ी को काटकर एक जलमार्ग बनाया है। बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं कई पत्थरों को हटाने का काम कर रही है जो जल प्रवाह के मार्ग में मौजूद है। और यही एक कहानी बिहार के एक 70 वर्षीय व्यक्ति लुंगी भैया की है जिन्होंने 30 साल की अवधि में गया में 3 किलोमीटर की झील को उकेरा है। हाल ही में भारतीय अरबपति और महिंद्रा समूह के CEO आनंद महिंद्रा ने उनके प्रयासों को समझते हुए लुंगी को एक ट्रैक्टर भेंट किया था। तो दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इन बहादुर महिलाओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।